दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में आज लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम ने वहां के विधायक राजेश ऋषि से उनके द्वारा किए गए 5 सालों के कार्य को लेकर खास मुलाकात की, जिसमें विधायक ने अपने 5 साल के कार्यों को गिनवाया। हमारे साथ आज विधायक हैं आम आदमी पार्टी से राजेश ऋषि जी। ये 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और 5 साल के अंदर जो आपके विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में सर बताइए। देखिए, हमारी पार्टी परिवर्तन के लिए आई, हम लोगों ने जीतने के बाद अपने क्षेत्र में काम शुरू किए। हमारा सबसे पिछड़ा हुआ बाढ़ था, सीतापुरी बाढ़, जिसके अंदर पानी नहीं आता था, सड़कें टूटी हुई थी, रोड्स कहीं थी ही नहीं, साथ ही वहाँ पर नालों की व्यवस्था नहीं थी, शीवर लाइन नहीं थी, पानी की लाइनें नहीं थी, पानी बहुत कम लोगों को मिलता था, वो भी टैंकर के माध्यम से, और टोटल टैंकर की राजनीति चल रही थी। हम भी आए, हमने भी आके टैंकर लोगों को देना शुरू किया, सिस्टम को समझने की कोशिश की, लेकिन हम इतना तंग हो गए कि जिसको टैंकर भेजो उसके बाद वहाँ झगड़े होते थे। हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले तो टैंकर माफिया ख़त्म किए, टैंकर बंद किए, घर घर लोगों के पानी पहुँचाया। पानी पहुँचने के साथ साथ हमने वहाँ की शीवर लाइन बदली, हमने वहाँ सारी सड़कें बनाई, हमने नए खंभे लगा के वहाँ लाइट की व्यवस्था की, नए ट्रांसफार्मर्स लगाए, हमने इस अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज बनाने के लिए खूब विकास कार्य किए। ये केजरीवाल सरकार की खूबी है कि उन्होंने कभी पैसे की कमी नहीं आने दी। वहीं आज आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी पार्टी पर कसा शिकंजा। जब विधायक से रोड पर पड़े गंदगी व रोड पर घूम रहे आवारा पशुओं के बारे में पूछा तो विधायक ने इनका ठिकरा नगर नियम पर फोड़ा और कहा कि नगर निगम अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। हमने देखे आवारा पशु काफी घूम रहे हैं और पॉलिथीन वगैरह भी खा रहे थे, तो कैसे, क्या उस पे गंदगी बहुत है, क्या उसका कारण रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये पशुपालन, जो गाय पालन, इस पे बैन लगा हुआ है, ये शहरी क्षेत्र में नहीं हो सकता, लेकिन एमसीडी की मिली भगत से ये काम चल रहे हैं, एमसीडी के अधिकारी मिले हुए हैं। मैंने कई बार एमसीडी अधिकारियों को फोन करके ही बताया कि ऐसे ऐसे क्षेत्र के अंदर सुअर पालन है, नाले की दीवार तोड़ के नाले के अंदर सुअर पालन कर रहे हैं, गाय पाली हुई हैं, एक आदमी के पास 135 गायें हैं, सुबह छोड़ देता है, शाम में आ जाती है, दूध दे जाती है, फिर वो घर गली गली घूमती हैं, लेकिन एमसीडी वाले सब मिले हुए हैं। एमसीडी अगर सुधर जाए, ये पॉलीथीन नहीं आपको नजर आएगी, ये सफाई बिल्कुल नजर आएगी, सफाई हो गई हर जगह, काम नहीं करना चाहते, सफाई नहीं करना चाहते, यही दिक्कत है। वहीं जब जाम ट्रैफिक को लेकर बात की तो कहा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को अपना मंथली हिस्सा समय पर पहुंचता है और वहां के पुलिस सही से काम करे तो क्राइम का ग्राफ भी कम होगा। आप देखिए रोड के ऊपर कितना जाम लगा हुआ है, जगह जगह ट्रक खड़े हैं, जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक पुलिस हटाती नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को 3,000 रुपये महीना मिलता है गाड़ी से, वो क्यों हटाएगी? हम कहते रह जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये स्थिति है। इस पे क्या एमसीडी राजनीति कर रही है, या उनको पैसा भी मिलता है फिर भी काम नहीं करते, तो इसका क्या सरकार, मतलब बीजेपी? आपका कहना बिल्कुल सही है, ये पार्षद की ड्यूटी है कि वो खुद घूमे और वो देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम जाते हैं घूमते हैं, जहाँ हमें सड़क टूटी मिलती है देखते हैं कि हमारी सड़क है, एमसीडी की सड़क है, एमसीडी वाले को बुलाते हैं, भाई इसका एस्टिमेट दे दो, हमसे पैसे लो, रोड तो बना दो, क्योंकि क्षेत्र तो हमारा है। हम कहते हैं टूटी सड़कें हैं, आपकी हैं, आप बनाइए, नहीं बना सकते, हमसे ले लो पैसे, हम बनवा देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको करोड़ों रुपए दिए हैं मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना से हमने, ताकि क्षेत्र की गलियाँ सही हो जाएं। एमसीडी तो साफ कहती है हम पे फंड नहीं है, हम पे काम करने के लिए है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं फंड है, हम दे रहे हैं कराने के लिए, करने वाले तो बने, 4-4 महीने से पैसा पड़ा एमसीडी के पास, एमसीडी ने काम ही नहीं शुरू किए। आप क्या कहेंगे, मैं ही बताता हूँ आपको, मेरे यहाँ पे सोम बाजार रोड है जिसे एमसीडी ने बनाना है, बहुत बुरे हाल में है, एमसीडी ने मुझे एस्टिमेट दिए, मैंने कहा आप तो बना नहीं रहे, 3,27,00,000 के एस्टिमेट दिए, वो भी मैंने सीएम फंड से लाके दे दिए उन्हें, लेकिन अभी काम ही नहीं शुरू कर रहे। अच्छा, तो आपका कहना है कहीं ना कहीं नगर निगम पॉलिटिक्स बाजी करके काम नहीं करने की सोच रहे? मैं आपको बिल वो दिखा सकता हूँ, क्या कहते हैं पैसा कितनी तारीख को इनके पास पहुंचा और आज तक इन्होंने शुरू क्यों नहीं किए। दिल्ली सरकार पैसा दे रही है मुख्यमंत्री फंड से, मैंने एमएलए फंड से बहुत पैसा दिया इनको, यही काम मैं फ्लड वाला बोल देता हूँ, उनका महीने में काम शुरू हो जाता है, टेंडर भी हो जाता है, तो टेंडर ही नहीं लगा रहे। अब कह रहे टेंडर लग गए हैं जी, बरकाटा नहीं हुए, कभी कभी फाइल फाइनेंस में भेज देते हैं, कभी दानी में चली जाती है, यही घूमता रहता है फाइलों का। विधायक जी, जैसे आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो यहाँ पे जाम लगे हुए हैं इस विधानसभा में, हम देख के आए इधर, ई रिक्शा वालों ने लाइन लगा रखी है, तो क्या ये दिल्ली पुलिस का फेलियर है या वो जानबूझ के ही काम नहीं करना चाहते?
देखिए दिल्ली पुलिस पे जिस दिन प्रेशर आ जाता है, जैसे 15 अगस्त का प्रेशर आ जाता है इनके ऊपर, तब आप आके देखिए गाड़ी नजर नहीं आएगी, गाड़ी एकदम स्मूथली भागेगी। वो दिनों उनकी काम बंद हो जाते हैं वसूली के। यहाँ पर कितने प्राइवेट लोग वसूली कर रहे हैं कामों में, ये कहाँ जाते हैं? पुलिस की बंदे लगे हुए सारे के सारे। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो मेरे ख्याल से दिल्ली में 80% तो अपराध कम हो जाए और दिल्ली में लगने वाला जाम खत्म हो जाए।